सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ना बदलो खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास तुम्हें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। शिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी भी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। आज का पंचांग 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 12:41 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 4:25 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और ऐश्वर्य तुला राशि पर रहेंगी। मेष राशि 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार, हाल ही में हुए किसी नुकसान या हानि से आप खुद को प्रभावित महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। जो रहस्य आपको व्यस्त रखते हैं उनकी खोज करें। सोना और आराम करना जरूरी है। आपके सपने आपको ज्ञान दे सकते हैं, इन्हें लिख लीजिए। काम में अधिकता आ सकती है। आज आप जो भी करेंगे उसमें आनंद प्राप्त होगा। काम में समान विचारों वाले लोगों की मदद पड़ सकती है। मित्र बनाने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करें। हमेशा याद रखें कि सपनों और विचारों से कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। आज आप अपने ही भीतर शक्ति का एक नया अद्वितीय स्रोत ढूंढ लेंगे और आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से अब जूझ रहे हैं उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाह्य मदद की जरूरत नहीं है। आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं। इस बात का अनुभव आपको आज हो जाएगा। आज दिन का अधिकतर समय आप अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा आत्म अवलोकन में व्यतीत करेंगी। इससे आपको बहुत अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी। आर्थिक दृष्टि से भी आज के दिन आपके लिए उपलब्धियां ला रहा है। उसे सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चयी होकर काम करने की जरूरत है। मन में डर उत्पन्न करने वाली अधिक बातें होने की वजह से काम के प्रति रखा डेडिकेशन कम हो सकता है। फिर भी आप अपना काम करते रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए उत्पाद विवाद उत्पन्न होंगे जो आपसे समझदारी से सुलझाए जा सकते हैं। किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा अपनी तरफ से बढ़ने ना दें। नौकरी में तबादला होने की आशंका है। पार्टनर की वजह से लोगों की आलोचना का सामना आपको करना पड़ सकता है। सिर दर्द और बदन का दर्द सता सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखें। आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित रखना ही उचित होगा। कुछ अनावश्यक खर्च भी सामने आएंगे जिसके वजह से बजट गड़बड़ा सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। मानसिक तनाव और द्वंद के कारण आज आप बेचैन फील कर सकते हैं, किंतु बुजुर्गों का सहयोग आपको राहत प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन मध्यम है जिसमें यौन सुख की भी संभावना है। आज आप अनिश्चितता का अनुभव कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति को सुने और बड़ी योजनाओं को पूरा करें। इसमें आपको सबकी मदद मिलेगी। अपने चार्म का प्रयोग करके कार्यस्थल में नए दोस्त बनाएं। आपको आज प्रेम के लिए कम समय मिल सकता है, लेकिन आपके रोमांटिक लाइफ शांति और सुकून भरी रहेगी।
आज आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफी गंभीर और रोमांटिक साबित हो सकती है। आपको यही तो चाहिए था। आपका दिन आज खास रहेगा। इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। घर के सदस्यों में आपसे तालमेल प्रेम पूर्ण रहेगा। किसी पुराने मित्र की मिलने से खुशनुमा यादें ताजा हो सकती है। बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें तथा सभी गतिविधियों को अपनी निगरानी में करवाएं, जिससे आपके व्यापार में अधिक बढ़ोतरी होगी, आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। आज कोई रहस्यमय व्यक्ति या रोमांटिक रिश्ता आपकी नींद उड़ा देगा। विवाह का योग भी बन सकता है। किसी भी विषम परिस्थिति में सांसारिक संयम बनाए रखें और हर प्रकार के डर को मन से निकाल दें। जल्दी ही आपका हर सपना पूरा होगा। बस थोड़ा संयम रखें। आप आज कुछ कामों को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यह दिन महत्वपूर्ण निर्णयों और करियर परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं है। आज आप कुछ ऐसे काम भी करेंगी जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। सपने और विचार कभी भी कुछ नहीं देते जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। आपको सर्वशक्तिमान के संकेत अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल सकते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहें और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती ना हो जिसे आप पूर्ववत नहीं कर सकते। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तब भी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आप आज ऊर्जा और जिंदादिली से भरे हैं। आपको खुद का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूचना मिलेगी। पिछले काफी समय से आपके जिस बीमारी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, उसे आसानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे। या तो पूरे शरीर की मसाज कराएं, या अपने शरीर तथा दिमाग को भी राहत देने के लिए स्पा में समय बिताएं, अच्छा रहेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर और मधुमेह के शिकार हैं तो आज आप अपनी सेहत में बदलाव भी देखेंगे। आप डॉक्टर की सलाह मानते चले आ रहे हैं, इसीलिए इस वक्त भी उनकी सलाह के अनुकूल ही चले। आज का उपाय, आज आप गाय को हरी घास या रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।